मेंदवानी के राघोपुर मरवारी में बनने वाले बांध को लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मेंदवानी के राघोपुर मरवारी में बनने वाले बांध का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम डिंडोरी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नर्मदा विकास के अधिकारी के द्वारा पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने का पत्र जारी किया गया है, जबकि ग्रामीणों के द्वारा राघोपुर मरवारी बांध को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके बाद भी अधिकारियों की ओर से ठेकेदार के द्वारा बगैर ग्रामीणों की सहमति के कार्य करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला पूरा? ये मामला काफी लंबे समय से चल रही है। राघोपुर मरवारी बांध में बहुत ही सी परियोजना विद्युत बनाई जा रही है, जिसके विरोध में हम राज्यपाल महोदय को भी, कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री को भी दिए और तमाम मंत्रियों को भी दिए, विधायकों को भी दिए और कलेक्टर महोदय को स्वयं को दिए। पर अभी तक यहाँ पर उस बांध के प्रति में शासन और प्रशासन की ओर से कहना चाहिए कि तो किसानों को किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिली, ना किसानों की ओर से जो आवेदन किया गया उसका जवाब मिला। और दबाव संबंधित जो विभाग है, नर्मदा घाटी प्राधिकरण के जो विभाग है, वहाँ के जो ई साहब हैं, उनके द्वारा हमारे किसानों को जबरन दबाव दिया जा रहा है कि हमारे जैसे मान लो ग्राम पंचायतों में अभी निर्माण कार्य को रोकने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनके कार्य क्षेत्र है ग्राम पंचायत नहीं है, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत में हस्तक्षेप करने का। इस प्रकार से ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मेंदवानी और अमरपुर डिंडोरी को उनने चिट्ठी जारी किया है, जो गलत तरीका से किया है। जो हम कह रहे हैं पेशा एक पांचवी अनुसूची क्षेत्र है 13(3) का, कि जो हमको जिस प्रकार से विधि का बल जो प्राप्त है वो प्राप्त का उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आपके द्वारा FIR भी दर्ज कराने की बात कही जा रही थी, क्या हाँ, है? हम अभी कलेक्टर महोदय को भी अभी मुलाकात करके हमने उनको भी बताया कि संबंधित विभाग के जो ई है नर्मदा घाटी प्राधिकरण मूलचंद मराबी जी के ऊपर भी FIR के लिए हम अभी SP साहब को आवेदन देंगे और उसके बाद जो ठेकेदार है संबंधित विभाग के द्वारा जो ठेकेदार है उसके ऊपर भी FIR की जाए, क्योंकि वहाँ पर सर्व ग्राम पंचायत टोटल जो ग्राम पंचायत हैं उन ग्राम पंचायतों का निरस्त का प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध है और हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया है, जिसकी 9/8/2023 को फर्स्ट सुनाई हो चुकी है और दूसरी सुनाई 25/8/2023 को होनी है। उसके बाद भी न्यायालय के पालन नहीं किया जा रहा है शासन और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा। क्या न्यायालय का फैसला आपका ग्रामीणों को हित में आया है क्या? वो हमारी पूरी उम्मीद है और हमारी पूरी मंशा है ग्रामीणों को ही पक्ष में आएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते विस्थापन होना। हम जल जमीन जंगल हमारा है, हम जो चाहेंगे वो ही हो सकता है, ऐसा हमको पावर राष्ट्रपति महामहिम 15 नवंबर 2022 को शहडोल जिला में आकर उनने अपने हमको अधिकार दे दिया। पेशा एक का पूरे पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है, टोटल ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर पांचवी अनुसूचित क्षेत्र हर गांव में लागू है। बिगर हमारी सहमति के कोई भी कार या निर्माण कार्य नहीं की जा सकती, न कर सकते। अगर आप लोगों को सुनाई नहीं होते तो आगे क्या कदम होगा? अगर हमारी आज हमने समय दिया है, आज की जो ज्ञापन दिया है उसमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय को दिए हैं आप ज्ञापन कलेक्टर के द्वारा, पर हमने यही लिखा है अगर 30-31 तारीख तक अगर हमारे किसानों के पक्ष में अगर बात नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती है कार्यपालन यंत्री मंडल नर्मदा घाटी प्राधिकरण के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर। तो हमने ये तय कर लिया है कि 1 तारीख को चक्का जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।